नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज 23 जुलाई, आज था बजट का दिन। तो बजट के दिन की जो मूवमेंट है वो मैं आपको आज बताऊंगा, बैंक निफ्टी साइड, निफ्टी साइड। तो यहाँ पे आज का अगर आप मार्केट देखें तो पूरा मार्केट यहाँ पे पुट साइड में रहा है। तो मैंने बैंक निफ्टी का 51,600 का पुट लगाया और निफ्टी का मैंने यहाँ पे 24,200 का पुट लगाया। तो दोनों को यहाँ पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बेस पर रेफर करना है। आप देख सकते हो पूरे दिन के मार्केट, आप अगर बैंक निफ्टी के बेस पे बात करें तो आपको टोटल 2 कॉल मिले, दोनों में से एक फेक कॉल माना जाएगा और एक जो कॉल था जो कंफर्म परफेक्ट था, जिसने आपको टारगेट भी दिए। सो किस तरह के सॉफ्टवेयर में आपको सिग्नल्स मिलते हैं, जो कंफर्म होते हैं उसमें आपको टारगेट देखने को मिलेंगे और जो फेक कॉल होते हैं उसको आपको कैसे एनालाइज करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखें तो कन्फर्म परफेक्ट कॉल का जो डिफरेंस है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो भी डिटेल पॉइंट्स मैं आज वीडियो में डिस्कस करूंगा वो आपके समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी स्ट्रैटेजी में सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे तो ग्रीन कलर्स के एरो यहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है। इसका इंडिकेशन बाइंग का बनता है, लेकिन आपको सारे ही कॉल्स में ट्रेड नहीं करना है, ओनली कन्फर्म परफेक्ट कॉल जो रहेंगे उसी में आपको ट्रेड करना है, जैसे कि ये कॉल। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा जिसके बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉल कंफर्म परफेक्ट है, कौन सा फेक कॉल है। अगर फेक कॉल होता है तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, और जो कंफर्म परफेक्ट कॉल होता है उसमें ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कंफर्म परफेक्ट कॉल होते हैं उसकी एक्यूरेसी आपको 90% की देखने को मिलती है फर्स्ट टारगेट के बेस पे। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो जो भी कैंडल पे कॉल जनरेट होता है वो कैंडल के क्लोजिंग पे आपको काम करना है। एंड ऑफ द कैंडल आपको कुछ पैरामीटर जो देखने होते हैं, उसमें पहला बनता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको चेक करना है, वो ग्रीन होना चाहिए। सेकेंड पैरामीटर आपको यहाँ पे बायर्स सेलर का परसेंटेज चेक करना है, बायर्स का परसेंटेज आपका सेलर से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड थिंग आपको देखनी है यहाँ पे कैंडल का कलर, ये ग्रीन रहे। और लास्टली आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेक करना है, जो येलो कलर से आप देख सकते हो ये कैंडल के नीचे रहे। तो इतने ही पैरामीटर्स को आपको चेक करना है। अगर कोई कॉल आपको ऐसा मिलता है जहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स मौजूद है तो वो कॉल कन्फर्म परफेक्ट माना जाता है, और इसी तरह के कॉल्स में आपको ट्रेड करना है ताकि आपको मैक्सिमम श्योरिटी मिले टारगेट्स को लेके। तो यहाँ पे ये कॉल की अगर हम बात करें तो ये कॉल जनरेट हुआ था 1:10 को, कन्फर्म परफेक्ट ये कॉल था और इसने आपको 2 टारगेट दिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एंट्री मिली थी 380.30 के रेट से। फर्स्ट टारगेट आपका 409.50 का था, सेकेंड था आपका 431.70 का, और यहाँ पे आप देखें 474 का हाई आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। और जो फेक कॉल होते हैं उसको आप कैसे एनालाइज करते हो, तो जो पैरामीटर्स मैंने आपको अभी बताया, अगर कोई भी एक सिंगल पैरामीटर वहाँ पे आपको मिसिंग मिलता है, जैसे कि ये कॉल आप चेक कर सकते हो, ये कॉल को अगर आप चेक करें तो यहाँ पे पहला पैरामीटर जो वॉल्यूम था वो मिसिंग है, सेकेंड पैरामीटर यहाँ पे आप देख सकते हो बायर्स का परसेंटेज भी मिसिंग है, थर्ड पैरामीटर आपका कैंडल का कलर ये भी मिसिंग है, और लास्ट जो पैरामीटर है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये भी आपका मिसिंग है। तो यहाँ पे चारों पैरामीटर आपके मिसिंग है, तो ऐसे कॉल में आपको ट्रेड नहीं करना, ये फेक कॉल माने जाते हैं। कभी कभार आपको ऐसे कॉल में टारगेट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरह के कॉल्स की एक्यूरेसी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी। सो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ऐसा फेक कॉल में ट्रेड करो। ये भी कॉल आप अगर चेक करें तो ये भी एक फेक कॉल माना जाएगा। ये कॉल जनरेट हुआ था 9:45 को, यहाँ पे आप बायर्स का परसेंटेज चेक करो तो 49% है। तो आप देख सकते हो ये स्ट्रैटेजी आपको ऐसे कॉल्स फिल्टर आउट करके देती है जहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। तो ये कॉल में भी आप देखें तो यहाँ पे आपको टारगेट नहीं मिला, मार्केट यहाँ से नीचे ही आया, और इसी कारण मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐसे फेक कॉल में आपको ट्रेड नहीं करना है, ओनली कंफर्म परफेक्ट कॉल जो होते हैं उसमें ही आपको ट्रेड करना है। तो इस तरह से ये था बैंक निफ्टी के बेस का मार्केट, जहाँ पे आपको टोटल 3 कॉल मिले, 3 में से 2 फेक कॉल थे, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, और जो कंफर्म परफेक्ट कॉल था जहाँ पे आपको टारगेट भी मिला है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पुट साइड में आप देख सकते हो टोटल पूरे दिन में आपको 1 कॉल मिला था जो कि एक फेक कॉल माना जाएगा, जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। उसके अलावा निफ्टी के साइड में कोई भी आपको ट्रेड नहीं था, तो निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और जो बैंक निफ्टी था इसी के बेस पे आपको 1 ट्रेड मिला था। तो ये था आज का मार्केट जो था बजट डे का दिन। सो इस तरह से ये हमारी एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी वर्क करती है, आपको मोमेंटम में सिग्नल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जो कंफर्म परफेक्ट सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपको 90% की श्योरिटी मिलेगी फर्स्ट टारगेट को लेके, और जो फर्स्ट टारगेट होता है ये अराउंड आपको 7-8% का रिटर्न पक्का देगा। सो ये था आज का मार्केट जहाँ पे पुट साइड के मूवमेंट आपको देखने को मिली। अगर आप इस स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो देखना चाहते हो तो आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगी, वहाँ जाके भी आप रजिस्टर करें ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके ये स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो प्रोवाइड करवा देगा।
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।